कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि आज वर अमावस्या तो उसकी पूजा होती है, बरगद की पूजा करनी पड़ती है। तो देव वेद रेडी हो गए हैं और अभी बजे हैं करीब सुबह के 7:15 और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं घर उधर उस साइड, तो वहाँ पे होगी पूजा। मेहंदी ये मैंने ये हैंडलूम की साड़ी है मेरी, एक अच्छी है अच्छी, क्योंकि गर्मी में जो चीज़ हल्की लगे और आपको कंफर्टेबल लगे वो अच्छी होती है। और आज मैंने ना वो नहीं पहनी, मतलब बैंगल्स ऐसे ऐसे मैचिंग के डाल गए थे, देन माई में ना करी, तो बस इतना ही है, इतना ही मेरे पे हो पाया क्योंकि फिर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो फिर सुबह से प्यास लगने लगती है। तो बस चलो चलते हैं, आज मैंने इसमें ये वाले पहने हैं, यही कुछ कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो चलते हैं वहाँ देखते हैं। फिर वहाँ थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ वो जो बनते हैं ना बरगदे वगैरह और जो भी है, यहाँ नहीं वहीं मनाएंगे सब एक साथ। इनको लीची चाहिए और नारियल पानी चाहिए, मतलब गाड़ी में बैठेंगे तो इन सबकी अपनी अपनी डिमांड शुरू हो जाती हैं। तो चलो चलें, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो सब पूजा कर करके आ गए हैं, बट हो जाता है यार बच्चों के साथ थोड़ा हो जाता है, फिर घर के सारे तो ने सोचा फ्री हो कि चलो ऐसा कि कोई टेंशन नहीं रहेगी। खोल देता और जो बर्ड है वो उसका नर्स तो उसमें अंडे है ना व्हाइट वाले, उसको नर्स खा लेता है उसके अंडे देखता है। अच्छा क्या पता चल गया? वो टेंट वाले बैग जो टॉयलेट में है वो वाले। तो बस यार ओपन पल्लू की पहनी है तो ऐसे करके कैसी हो रही है, वहाँ पे देखेंगे ऐसा कर लेंगे, जल्दी जल्दी में ऐसे ही अभी किया। तो बस चलो घर आ ही गया है, 2 मिनट बाद वो वाला गेटअप में तो आना ही पड़ेगा। देखो इनकी तो बस घर में जाके यही सब जो बरगदे बनते हैं और पूड़ी वगैरह बनते हैं वो। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हम लोग जो मंदिर पे गए थे जिस मंदिर पे, वहाँ पे बहुत सारे बरगद के पेड़ थे, बट ये है कि सब लोग ऐसा चूज़ कर रहे थे जहाँ पे कम भीड़ हो, क्योंकि आप जानते हैं उस सिचुएशंस को देखते हुए, और ये गरीब बच्चे भी बहुत आ गए थे, और ये फेरी दे रही हूँ मैं, वो आपको पता ही है फेरी ऐसे 12 दी जाती हैं। और ये कन्या मतलब इनमें से ज़्यादातर सब कन्या ही थी, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना लोग दान वान इंस्टेंट वहीं पे कर देते हैं, जो भी आपको देना होता है बाकी आपको जो सुहागन को देना होता है वो आप दीजिए। तो ये नहीं, जो देखिए बरगद पे वही बांधती हुई फेरी लगाने के बाद, और इधर हम लोग कुछ कुछ पूजा कर रहे थे। देखिए क्या है कि सब लोग पूजा ही कर रहे थे इसलिए बहुत ज़्यादा व्लॉग तो नहीं शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे थोड़ा सा दिखाया आपने और दिखाना चाहिए था, बट ये मैं पिछले 2-3 बार से ही दिखा रही हूँ आपको, मेरा पूरा पड़ा हुआ है, मैं कोशिश करूँगी वो भी आपको शेयर करूँ जल्दी ही। और ये इधर मैंने भी जो था मम्मी ने बोला कि इधर इनको ही दे दो, तो उधर दे दिया था दान वगैरह। और इधर मौसी कर रही हैं, मतलब हम चारों ही लोग थे, मैं नीसू मौसी मम्मी, तो यही था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, शायद वो बड़े वाले बरगद के पेड़ पे वहाँ पे जाते पर वहाँ पे बहुत रश था तो इस वजह से हम लोगों ने अवॉइड किया, ये था तो यहाँ पे किया। और ये देखिए गौर माता वही बनाई जाती है ना हमारे यहाँ, तो ऐसे ही होता है, ऐसे तुरंत बना के ऐसे कर लो और उसी पर चढ़ा के, ये मौसी देखो सुहाग वगैरह ले रही, तो बस ऐसे ही हम लोगों ने भी सीखा, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, मैं कर रही थी इसलिए ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं हुई। बस फिर मंदिर से हम सब आ रहे वापस, तो यही था, और इसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वापस निकल जाएंगे। इधर देखो छाप, देखो इधर, हेलो छोटा सा पार्टी भी दिखा दे, हेलो हेलो अरु हेलो 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 अच्छा अच्छा गंडा वाला हेलो, अच्छा गंडा वाला हेलो हेलो। तो बस घर से वापस आने के बाद मेरा एक पार्सल आया था आज, इस बार मैंने यहाँ ग्वालियर में होम सेंटर नहीं है, कानपुर में है, तो मेरे मतलब मायके की जितनी क्रॉकरी आपको ज़्यादातर दिखती है, क्रॉकरी की मैं बात कर रही हूँ, वो होम सेंटर से ही हम लोगों ने परचेज़ करी है, तो मुझे मतलब होम सेंटर का अच्छा लगता है क्रॉकरी, मतलब किचन का जो भी आप लोग, तो मैंने कुछ प्लेट्स सर्विंग प्लेट्स और डिनर प्लेट्स ऑर्डर करी थी, और सेम टू सेम वही ऑर्डर करी जो मेरे मायके में है, तो अच्छी सी फील आती है थोड़ी, क्योंकि मैंने उसकी क्वालिटी देख ली थी अच्छी है। तो ये देखो उनके पास ज़्यादा स्टॉक में ही था, हो सकता है मे बी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हो, तो 4 ही मिली है मुझे छोटी वाली, और ये देखिए इसकी कॉस्ट है 149 रुपीज़। तो मुझे ये जो सर्विंग वो है ना साइड प्लेट्स जो आप कहते हो वो 4 मिली है, और बड़ी वाली मुझे डिनर प्लेट सिर्फ 3 ही मिली थी, मैंने और उसमें डाल दिया है
कि जब भी ये स्टॉक आएगा तो मैं ये कर लूँगी। तो धीरे धीरे करके मैं ना आगे, मतलब जो भी धीरे होगा आगे चल के, मैं होम सेंटर का ही पूरा कलेक्शन रखूँगी, क्योंकि मुझे पसंद आता है। इनमें कोई दाग नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं होता, और मेलामाइन की होती है तो बहुत ही अच्छी होती है, तो ये आपको पता है उधर का। तो ये मुझे ना डिनर प्लेट 3 मिली सिर्फ, और ये 199 रुपीस की हैं, तो एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम हालत पस्त हो गई है। अब तो बस आके ऐसे फ्री होके बैठ गए हैं, और थोड़ा सा मतलब चाय पिए, मैंने तो चाय पी है। और ये बच्चे देखो, ये आरू भी आ गई संग में, इनको लेनी थी। ये लोग इसी सड़क पर आए थे कि हमें कुरकुरे और फ्रूटी दिलाओगे। चलो देखो, आरू से नमस्ते, नमस्ते बोलो आरू। नमस्ते। इधर देव सब बैठ के खा रहे हैं अभी, अभी कोई किसी को नहीं देखेगा। चलो तो बस पूजा पाठ हो गई है, साथ में जो भी बना ब्लॉग वो हो गया है ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे कल या नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर।